राजस्थान में बिपरजॉय का कहर, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बाद लगभग पूरा राजस्थान पानी पानी हो गया है। हालात ये है कि यहाँ के कई जिलों में भारी बारिश ने ऐसी दस्तक दी है कि मौसम विभाग भी बार बार चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है। इतना ही नहीं, अजमेर में तो बारिश ने पिछले 105 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। बिगड़ते मौसम के चलते राज्य के 7 लोगों की मौत हो गई और 15,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लगातार बारिश के चलते कई निचले स्थानों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं मामले की जानकारी के बाद सीएम अशोक गहलोत खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जयपुर आईएमडी के अनुसार बिपरजॉय चक्रवात ने जून के महीने में अजमेर में बारिश के 105 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 17 जून 1917 को अजमेर में एक ही दिन में कुल 119.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो जून महीने में सबसे अधिक थी। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अब पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में अनेक इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कोटा, बारा, सवाई माधोपुर में मंगलवार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। 17 जून को शहर में 19.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज के बाद जोधपुर में 12 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। पिछला रिकॉर्ड 28 जून 2016 को बना था, जब लगभग 74 मिलीमीटर बारिश हुई थी। राजस्थान में 16 जून से 19 जून तक चक्रवात के कारण औसतन 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो मानसून के मौसम के दौरान औसत बारिश का लगभग 24% है। आपको बता दें कि बिपरजॉय की वजह से रुके हुए मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मानसून के सक्रिय होने से पूर्वोत्तर राज्यों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। झारखंड के रांची समेत कई जिलों में बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दी है। राज्य में तेज हवाओं और बारिश के बीच बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून का इंतजार जारी है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों में मानसून आने के पहले ही हलचल शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली में कहीं कहीं छिटपुट बारिश के बीच तेज धूप रही, अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को शहर में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बिहार में मानसून ने 12 जून को ही दस्तक दी थी, लेकिन बारिश कम हुई। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।